शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अभी महानिदेशक वैश्विक शिक्षा से मुलाकात की है और इन्होंने अपनी कुछ मांगें रखी हैं, साथ ही उसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी मांग रखी है। ये एक बहुत बड़ा समाचार इस समय ब्रेकिंग न्यूज़ शिक्षा विभाग से आ रही है। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताने चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा। इसके लिए महानिदेशक महोदय द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, ये जानकारी दी है इस समय प्रतिनिधिमंडल ने। और 26 सूत्रीय मांगों पर वार्ता हुई है लगभग एक घंटे तक, जिसमें बताया गया है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने हेतु महानिदेशक महोदय भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। साथ ही एक बड़ी खबर, बड़ा समाचार अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि आज की इस महंगाई भरे जीवन में इनका जो मानदेय है वो अत्यधिक कम है। इसलिए महानिदेशक वैश्विक शिक्षा ने कहा है कि हम जल्द प्रस्ताव भेजेंगे मानदेय बढ़ाने के लिए भारत सरकार के लिए। इसके अलावा जनपद के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण का आदेश जल्द निर्गत होगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का शासनादेश भी अंतिम स्तर पर है, वह भी जल्द जारी होगा। साथ ही यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का भी स्थानांतरण होगा, इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और शासनादेश जल्दी ही जारी होगा महानिदेशक वैश्विक शिक्षा के। श्रीमान महानिदेशक वैश्विक शिक्षा श्री विजयकरानंद जी ने भरोसा दिलाया कि आपकी समस्त समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा और आप बस हौसला रखें, भरोसा रखें, जल्द सभी समस्याओं पर समाधान होगा। इस समय मानव संपदा पर त्रुटियों के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। अगर आपकी मानव संपदा आईडी पर कोई भी सर्विस बुक में त्रुटि है तो उसे जल्द से जल्द सही करा लें और सुरक्षित रहें। ट्रांसफ़र में ऐसा कोई पेच ना फंसे, ऐसी कोई गलती ना हो आपसे या विभाग द्वारा जिसे आप को समस्या का सामना करना पड़े। तो इसलिए अपनी मानव संपदा आईडी पर जो भी त्रुटियां हैं उसे चेक कर लें और अगर हैं तो उसे त्रुटि को जल्द से जल्द सही करें। आज के समाचार में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, हर घर तिरंगा लहराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।